आज की वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो एक मोटरसाइकिल खरीदने का मूड बना रहे हैं या मोटरसाइकिल राइड करते हैं बट वो अपनी मोटरसाइकिल का ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारी बाइक जो मेन चलती है वो चलती है सारी की सारी चेन के ऊपर। और भाई लोग, क्या हालचाल, कैसे हैं सारे के सारे। सो गाइस, अगर आप इसको देख के थंबनेल के ऊपर आए हैं कि कोलगेट से आप किस तरीके से जो आपकी मोटरसाइकिल की चेन है उसको साफ़ कर सकते हैं, सो गाइस आपका कट चुका है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस देख रहा था, उन्होंने दिखाया जी कोलगेट से आप ये कर सकते हैं, कोलगेट से आप वो कर सकते हैं। कोलगेट से वैसे अगर हम देखा जाए तो चेन को साफ़ तो कर सकते हैं बट चेन की जो लुब्रिकेशन है वो नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए स्पेशली प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं गाइस, और आज की वीडियो खास करके उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो एक मोटरसाइकिल ख़रीदने का मूड बना रहे हैं या मोटरसाइकिल राइड करते हैं बट वो अपनी मोटरसाइकिल का ध्यान नहीं रख पाते हैं। क्योंकि हमारी बाइक जो मेन चलती है वो चलती है सारी की सारी चेन के ऊपर, और हर 500 किलोमीटर के बाद बेसिकली हमारी जो चेन है वो गंदी हो जाती है। 500-600 किलोमीटर के अंदर उसके अंदर रस्ट आ जाता है, तो चेन चक 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 करना शुरू हो जाती है, आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ तो चेन के जो बीच के जॉइंटर्स होते हैं उसके अंदर जैसे ही डस्ट फंस जाती है तो वो फिर अंदर उसके जब डस्ट फंसने की वजह से उसके जो चेन के जॉइंट्स हैं वो लूज़ होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें उस चीज़ के लिए चेन को करना पड़ता है ल्यूब, और ल्यूब्रिकेशन के लिए आपके जो मेन प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो यूज़ होता है। सबसे पहले एक यूज़ होता है आपका मॉड्यूल का ये चेन क्लीन, जो कि बेस्ट है इस टाइम मार्केट के अंदर। और अगर मैं दूसरी चीज़ बात करूँ तो ये है आपका चेन ल्यूब। ये दो प्रोडक्ट्स आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं अपनी बाइक को मेंटेन रखने के लिए। अगर आप एक मोटरसाइकिल ख़रीदने का मूड बना रहे हैं गाइस, तो अपने दिमाग में बिठा लें कि हर 500 किलोमीटर पे आपको जो अपनी मोटरसाइकिल की चेन है उसको साफ़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ये ब्रश आता है गाइस, इस तरीके का ये ब्रश है, इसमें आगे ऐसे करके मुँह बना होता है, आप देख सकते हैं, एंड पीछे इस तरीके का साफ़ करने का। आपको ये ब्रश मार्केट में कोई 250 का देगा, कोई 300 का देगा। सो गाइस, 100 रुपये की कॉस्टिंग है इसकी, जाना मोटरसाइकिल से आप ख़रीद सकते हैं। दुकानदारों को 70-80 रुपये का पड़ता है, उससे ज़्यादा का नहीं पड़ता। आपको बता रहा हूँ, 100 रुपये की कॉस्टिंग है और 100 रुपये के अंदर अंदर आप इसको ले सकते हैं। कोई भी हो उसको 100 रुपये बार्गेनिंग करके आप ये जो ब्रश है उसको लें। चेन साफ़ करने के हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास पेडॉक है तो मैं पेडॉक की यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन होता है, एक जी रोलर आता है, वो जी रोलर आप नीचे रख लेते हैं और फिर टायर को आप गोल गोल घुमाते हैं और साथ में अपनी जो चेन है उसको साफ़ कर लेते हैं। एक और ऑप्शन जो है वो ये है कि आप अपने फ्रेंड को बुलाएं, वो अपना साइड स्टैंड जो है उस पर खड़ा करके, अगर आपकी बाइक में साइड स्टैंड खुला होने पर गियर मारने पर बाइक बंद नहीं होती तो सबसे अच्छी बात है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको बंद करके फिर एक बंदे को ऐसे हाथ से ही ऐसे करके चेन जो है उसको घुमाना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन ये होता है, नहीं तो लास्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि आप साथ थोड़ा थोड़ा मारें और एक बंदा या तो बोलें उसको कि आगे पीछे बाइक को करता रहे और उसी के साथ ही आप यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप किसी को बुला लेते हैं और वो बंदा टेढ़ा कर लेता है और आप ऐसे ऐसे करके यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि यार पेडॉक आता है 2200-2500 रुपये का, एक बारी की इन्वेस्टमेंट है और ज़िंदगी भर तक आपका ये चलता है, तो ये इससे अच्छी चीज़ नहीं है। और ये आपका किसी भी बाइक पर यूज़ हो जाता है तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। गाइज़, कैसे चेन क्लीन करते हैं, ल्यूब करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज़, सबसे पहले हम करेंगे बाइक को स्टार्ट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास पेडॉक है तो मैं आराम से गियर लगा सकता हूँ और टायर अपने आप रोल करेगा। और फिर हम ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे और उसको हम लगाएंगे यहाँ पे और ऑटोमेटिकली जो हमारी पूरी की पूरी चेन है वो क्लीन हो जाएगी। और इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेगा इसकी, हर 500 किलोमीटर के बाद आपको चेन क्लीन करनी है, चेन ल्यूब करनी ही करनी है। चेन साफ जितनी मर्जी भी लग रही हो, चेन क्लीन और ल्यूब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बाइक की लाइफ के लिए और आपके चेन स्प्रॉकेट्स के लिए और चेन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग में बिठाएं। गाइस, आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमने पूरी की पूरी चेन साफ़ करी
और इसमें चेन को इजीली साफ़ करने के लिए हमारे पास ये बहुत अच्छी तरीके से काम आता है, और सिर्फ 100 रुपये का आपको ये मिल जाता है। जाना मोटरसाइकिल से आप 100 रुपये में मात्र ले सकते हैं, बाकी आपको हर जगह ही मिल जाएगा। एंड मैंने आपको मार्केट वैल्यू बता दी है कि 100 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। सो बेस्ट पार्ट इसका ये रहता है कि आप किसी भी तरीके से अपनी जो चेन है उसको साफ़ कर सकते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर गंद दिखाऊँ, सो आप सामने यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा हमारा जो भी अंदर का गंद है चेन का वो सब निकल रहा है। अभी मैं दोबारा से चेन को एक बारी थोड़ा सा घुमाऊंगा ताकि ये और तरीके से निकल जाए, एंड देन फिर हमारी बारी आएगी ल्यूब की। सो गाइस, फाइनली हमारी जो चेन ल्यूब है और चेन क्लीन है दोनों हो गया है। और इसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपकी जो बाइक है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। जो आपको नॉइज़ आती है चिक 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 की, या जो चेन लूज़ की आवाज़ होती है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है इसके अंदर। प्लस जितना डस्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इससे आपकी जो बाइक की लाइफ है वो बढ़ जाती है, चेन की लाइफ है वो बढ़ जाती है, चेन स्प्रॉकेट्स की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो हर चीज़ का बेनिफिट इससे आपको मिलता है, और हर 500 किलोमीटर पर आपको ये चीज़ करनी ही करनी है अगर आपके पास एक बाइक है तो। सो गाइज़, आई होप मेरी ये जो वीडियो है वो आपके किसी के काम आई हो, और आप लोग भी अपनी बाइक जो है उसको तरीके से मेंटेन करके रखेंगे और अच्छी तरीके से उसका यूज़ करेंगे। सो आज की वीडियो का ये एंड करते हैं गाइज़। इस बार फ्रॉम माय साइड, आई होप यू आर अ ग्रेट टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। दुनिया को खुशी दे गाइज़, आपको भी खुशी महसूस होगी। की स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गुड कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम बॉर्न क्रिएटर।